हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं और इस वीडियो में हम क्विक रिव्यू और डेमो देंगे आपको फिलिप्स ब्रांड का वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है BT50B। तो ये स्पीकर कैसी है और कैसी इनकी आवाज़ है तो हम आपको चेक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो प्राइस जो है ऑनलाइन अमेज़ोन पर वो है 1450 के आसपास है। और आजकल जो है हमें लग रहा है कि जो ऑनलाइन प्राइस जो है प्रोडक्ट का काफ़ी बढ़ गया है। तो ये हमने 1200 या 1300 के करीब एक साल पहले लिया था। तो अगर हम इसके कनेक्टिविटी पॉइंट्स देखें तो ये देखिए, यहाँ से आप इसमें एक में ऑफ है, एक में ऑडियो इन है और लास्ट में ले जाएंगे तो ये ब्लूटूथ मोड में आ जाता है। और एक ये इसमें एक बटन है पेयरिंग के लिए। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे तो ये वाला जो है इसमें डाटा, इसको चार्जिंग के लिए है। और यहाँ पर जो है आप ऑडियो इन लगा सकते हैं। तो आप अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस हो, ख़ास तौर पर VCD प्लेयर या DVD प्लेयर या MP3 प्लेयर कुछ भी, तो आप उसकी आवाज़ भी इसमें सुन सकते हैं। तो काफ़ी हल्का है, इजी टू कैरी है, यानी कि आप इसको आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। बहुत ही छोटा है, इवन हमारे हाथ से भी ये छोटा है। और अभी हम स्केल रखना भूल गए, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका आपको एक्यूरेट डायमेंशन दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन देखें तो इस बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इसकी कितनी पावर है या कितना ये स्पीकर की जो है कह सकते हैं कि कितने वाट का है या कितने ये साउंड देता है, कितना रिस्पॉन्सिव है, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जस्ट ये लिखा हुआ जेनरिक नेम जो है BT स्पीकर है, प्रोडक्ट कोड जो है BT50B है और नेट क्वांटिटी जो है 1N है। और हम जो है चेक कर लेते हैं, अगर शायद हमें अमेज़ोन पर इसकी कोई डिटेल मिल जाए। तो ये स्पीकर है, तो ज़्यादा हम कुछ भी नहीं है इसमें। और अगर हम देखें, अगर कुछ डिटेल हो तो शायद हमें, जब तक ये सर्च कर रहा है तो हम आपको जो है देखते हैं, मतलब तो टेक्निकल इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया, बस इसमें ये है कुछ ये लिखा हुआ है एंटी क्लिपिंग फंक्शन। तो इसमें जो है एंटी क्लिपिंग से जो है आप आवाज़ को लाउड चला सकते हैं और कीप द क्वालिटी हाई इवन बैटरी लो हो, यानी कि बैटरी लो होने पर भी ये आपको अच्छी आवाज़ सुनाएगा। अब जो हम अपने, अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमें ये स्पीकर कैसा लगा, तो सबसे नेगेटिव पॉइंट जो है इसमें कोई भी वॉल्यूम बढ़ाने का बटन नहीं है। आप देख लीजिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमने बहुत कोशिश करी इसका वॉल्यूम हाई करने का, कोई साधन हो, सोर्स हो, बट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपकी आवाज़ होती है उतनी लाउड नहीं है, यानी कि एक कमरे में भी आपको नहीं सुनाई देगा, बट इसकी आवाज़ काफ़ी शार्प है, क्लियर है और काफ़ी अच्छी कह सकते हैं। और अब जो है हम आपको उसको डेमो देते हैं, इसको चलाकर दिखाते हैं। तो ये हमारी एक पोएम है जो हमें भेजी है। हाय फ्रेंड्स, और जीना दुभर हो जाए पल भर को यहाँ जीने के लिए, जब दूसरों का आसरा रहे और वो भी साथ न दे पाए। पल भर को यहाँ जीने के लिए, जब दूसरों का आसरा रहे और वो भी साथ न दे पाए। आहें भरती हुई तब जिंदगी कहती है, आहें भरती हुई तब जिंदगी कहती है, ये सांसें जो निरंतर चलती हैं किसी का बोझ न बन जाए। ये सांसें जो निरंतर चलती हैं किसी का बोझ न बन जाए। फिर भी घिसते हुए उठाते हैं कदम जीने को, फिर भी घिसते हुए उठाते हैं कदम जीने को, पर कोई क्या करे जब जिंदगी कोई खुशी ना दे पाए। हर चाह मर जाती है उस वक्त, हर चाह मर जाती है उस वक्त
चाहे जब ये जिंदगी की जिंदगी से दूर हो जाए। थैंक यू। तो ये तो हमने ऑडियो सुनाई, और अब जो हम आपको देखते हैं, अगर हमारा यूट्यूब चैनल पे हम अपनी कोई आपको वीडियो की आवाज़ सुनाते हैं, देखते हैं। तो ये हम सर्च कर रहे हैं। तो पेयरिंग हमने की हुई, आवाज़ काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। बट आप इसमें जो है ज़्यादा हाई वॉल्यूम में नहीं चला सकते। और इवन सबसे जो बात इसकी होती है कि अगर आपके मोबाइल से ही आवाज़ कम हो तो इसमें आवाज़ और कम आती है, बहुत कम आती है, तो इसका फिर फ़ायदा नहीं होता लोगों को। तो यही पॉइंट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो हम देखते हैं कोई हमें म्यूज़िकली कोई वीडियो मिल जाए। तो ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए नहीं है जिनको हाई वॉल्यूम में आवाज़ चलानी होती है या सुनना होता है। तो हमने एक म्यूज़िकली का हमारी एक वीडियो है, तो ये देखिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे स्पीकर है। तो ये था डेमो। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आवाज़ तो काफ़ी क्लियर है, बट दिक्कत यही है कि इसमें आप ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकते। जितना वॉल्यूम आपके मोबाइल से हाई हो सकता है उतना ही आपको मिलेगा। अगर आप लो वॉल्यूम में एक अच्छी आवाज़ चाहते हैं तो आप इन स्पीकर को ख़रीद सकते हैं। तो हमने इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग देखी थी और काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यू देखे थे, बट हमें नहीं पता था कि इसकी आवाज़ जो है इतनी कम होगी। और हमें जो है, हमने जिसको गिफ्ट दिया उन्होंने जो है हमें लौटा दिया और हमें फिर अपने स्पीकर उनको देने पड़े। तो ये था, मतलब आप कह सकते हैं कि जिनको हाई वॉल्यूम में कोई लेक्चर सुनना हो, ख़ास तौर पे गर्मियों में पंखे कूलर की आवाज़ चलती है तो इसकी आवाज़ दब जाएगी। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई फंक्शन नहीं है, आप इसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते, कोई पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, आप इसमें FM भी नहीं सुन सकते, और इवन इसमें माइक भी नहीं है, यानी कि आप इससे बात भी नहीं कर सकते। तो जस्ट एक हाई क्वालिटी का स्पीकर है जिसको आप सिर्फ बहुत ही मीडियम आवाज़ में सुन सकते हैं, हायर वॉल्यूम में आप इसको नहीं चला सकते क्योंकि इसमें कोई वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने का कोई बटन नहीं है। तो आप इस प्रोडक्ट को हमारे दिए हुए लिंक से अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। इसकी जो प्राइस जो है इस वक्त 1450 के आसपास है, और कोई स्पेशल ऑफ़र हुआ तो आपको वो डिस्काउंट भी फेस्टिवल में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कोई डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये है, तो मोनो स्पीकर है, यानी कि ज़्यादा इसमें स्टीरियो आवाज़ नहीं आएगी आपको। और जाते जाते हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे ये ब्लू दिखा रहा है तो ब्लूटूथ मोड है, अगर आप इसको यूँ करोगे तो ये सफ़ेद लाइट जल जाएगी। हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि शायद इस मोड में आ जाए।
ये देखिए, ये जो है इसका ऑडियो मोड हो गया, और इसको यूं करोगे तो ये ऑफ हो गया। तो इसकी वॉल्यूम के साथ साथ इसकी जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा है। धन्यवाद।